देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। हम आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज में, जहां पर हमारे संवाददाता पवन पटेल मौजूद है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं पर 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार देखिए पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर रही थी। कल भी प्रशासन का बुलडोजर चला था अतीक के गुर्गों पर, लगातार पुलिस प्रशासन लगातार देखिए कार्यवाही कर रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अतीक के गुर्गों का नाम सामने आने के बाद लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई है और बुलडोजर एक्शन जारी है। हम आपको सीधा तस्वीर प्रयागराज से दिखा रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ मौजूद है। पवन, देखा जाए लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है और आज किस जगह पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है? बीते 24 फरवरी को जिस तरीके से उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था, उस घटना को लेकर प्रयागराज पुलिस लगातार सतर्क है और पूरे मामले को घटना का जो है उसको खुलासा करने के लिए लगातार पुलिस की टीम काम कर रही है। आज लगातार तीसरे दिन पीडीए की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाने है, हालांकि अभी थोड़ी देर में यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए जो इस मकान के अंदर, जिस मकान को अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, उस मकान के अंदर ये रखे हुए सामान है और ये जो सामान है ये देखिए अभी धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। पुलिस के तमाम यहाँ पे अधिकारी है, टीमें हैं और ये वो खूबसूरत सा मकान है जो अभी कुछ ही देर में जमींदोज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो मकान है अतीक अहमद का बड़े करीबी बताए जाते हैं, इस मकान के जो मालिक है वो भी हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये मकान को यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ये क्या आपको इसके पहले नोटिस दी गई थी? इसके मालिक खालिफ के लिए वाले, उनसे बात करिए। देखिए एक और ये तस्वीर है, हम आपको ये दिखाएंगे। ये देखिए ये मकान है, हालांकि अभी जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी वो इस मकान के मालिक बताए जा रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो मकान है उनकी बेटी के नाम है और ये जुलाई 2022 में इस मकान का जो है निर्माण शुरू कराया गया था। और एक और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे अभी जो काम है वो अभी किया जा रहा है, मकान अभी हालांकि पूरी तरीके से बना नहीं है, तैयारी जो है वो जोरों पे है। देखिए ये पुलिस की टीमें हैं यहाँ पर, ये पीछे जो है बुलडोजर वो खड़ा हुआ है, इसी से अभी कुछ ही देर बाद ही खूबसूरत से मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये अतीक के बड़े करीबी माने जाते हैं, तो लगातार जो पीडीए की टीम है वो कार्रवाई कर रही है और जो कार्रवाई की तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर सीधी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जिस तरीके से ये लगातार देखिए घर के सामान को निकाला जा रहा है और जो कार्रवाई है वो अभी कुछ ही देर में जो है शुरू हो जाएगी। तो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है तो कुछ ही देर में ये जो खूबसूरत सा मकान है वो जमींदोज हो जाएगा। तो लगातार जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और पीडीए की टीम द्वारा आज ये तीसरा दिन है जब लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का जो इलाका है, कहा जाता है कि यह इलाका प्रयागराज और कौशाम्बी जनपद की सीमा में आता है, तो ये जो कार्रवाई है वो प्रयागराज और कौशाम्बी की सीमा पर किया जा रहा है और ये जो मकान है उसको अभी तोड़ दिया जाएगा और कुछ ही देर में ये जो मकान है वो जमींदोज हो जाएगा। लगातार जो कार्रवाई है वो अभी देखी जा रही है और पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है, पीडीए के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और घर के अंदर जो रखे हुए सामान है वो उसको निकाला जा रहा है। और ये खूबसूरत सा 2 मंजिला मकान है जिसकी कीमत करोड़ों के आसपास की बताई गई है। जी नंदिनी। जी पवन, जिस तरीके से लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है, क्या आसपास के घरों को खाली कराया गया है, आसपास के मकान हैं वहां पर? एक और मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए तस्वीरें हैं, चूंकि इस पूरे तस्वीर में आपको नजर आएगा कि आसपास यहाँ पे कोई मकान नहीं और काफी बड़ा एरिया है जहाँ पर ये मकान बनाया गया है और आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरा है, आसपास कोई मकान नहीं, इकलौता ये मकान है जो खूबसूरत सा मकान है, 2 मंजिला मकान वो बनाया जा रहा है। तो ये जो मकान है इस पे अभी तक किसी तरह के आसपास कोई मकान नहीं है, हालांकि जो पुलिस की टीम है वो पहले से यहाँ पे मौजूद है और आसपास जो रोड रास्ता है वो कानपुर हाईवे को जोड़ता है, तो कानपुर जाने का जो रास्ता है क्योंकि ठीक बगल में कानपुर हाईवे और इसी रास्ते से लोग कानपुर की ओर जाते हैं, हालांकि जो रोड पर वहाँ पे पुलिस की टीमें तैनात है और पुलिस की टीम है वो लगातार घर के पास भी मौजूद है, तो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और पीडीए की टीम मौजूद है। जो कार्रवाई है वो अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और हमारे पीछे दिख रहा है जो खूबसूरत सा मकान कुछ ही देर में वो जमींदोज हो जाएगा। जी नंदिनी। जी पवन, आप मौके पर मौजूद हैं, अभी तक कितने बुलडोजर वहां पर पहुंच चुके हैं, हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए।
ये जो पूरी तस्वीरें हैं वो पिछले लगातार जो तीसरा दिन है कार्रवाई का वो जारी है। हालांकि हम काफी दूर पे हैं और ये तस्वीरों में दिख रहा होगा वो सामने बुलडोजर है और जो इसके ठीक पीछे और तीन बुलडोजर खड़े हैं और वो जो बड़ी मशीन है जिसको पोकरण मशीन कहा जाता है वो भी पीछे आके खड़ी हुई है। चूंकि घर के अंदर के रखे सामान को निकाला जा रहा है और कुछ ही देर में जब ये सामान घर के अंदर से बाहर हो जाएगा इस खूबसूरत से मकान को जमींदोज़ कर दिया जाएगा और पीडीए की टीम लगातार यहाँ पे कार्य कर रही है। कहा जा रहा है कि इस मकान को बनवाने के लिए नक्शा नहीं पास करा गया है। हालांकि जो मकान के जो मालिक हैं उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन वो कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जबरदस्ती की कार्यवाही की जा रही है, उन्होंने पीडीए को नक्शा पास कराने के लिए दिया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीडीए और पुलिस की टीम पहुंची है कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के बड़े करीबी बताए जाते हैं। जी नंदिनी जी, पवन क्या लग रहा है कि जब से ये गोलीकांड हुआ उसके बाद से ये एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, बीते 24 फरवरी से घटना की शुरुआत हुई जब राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल एमपी एमएलए कोर्ट से वापस लौटे थे और धूमनगंज थाना क्षेत्र में जब अपने घर के पास पहुंचे तो वहां पर बदमाशों ने गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया। तब से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और लगातार उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। आज ये लगातार तीसरे दिन पीडीए की टीम कार्रवाई कर रही है। बीते दो दिनों में करोड़ों के मकान को गिराया जा चुका है। आज ये खूबसूरत सा मकान है जिसकी कीमत करीब करोड़ों रुपए के आसपास की आकी गई है, कुछ ही देर में ये जमींदोज हो जाएगा। तो पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार पुलिस और पीडीए की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। जी नंदिनी। पवन, अतीक के जो करीबी बताए जा रहे हैं, क्या नाम बताया जा रहा है इनका? हालांकि इनका नाम मकसूद बताया जा रहा है, इनका नाम मकसूद बताया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि ये जो मकान है इनकी बेटी रुखसाना के नाम है। अब ये किस तरीके की बातें हैं, अधिकारी ने इस पर किसी भी अधिकारियों ने किस तरीके किसी तरह की अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो मकान मालिक है उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जबरदस्ती की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आरोप यहाँ तक लगाया है कि मुसलमान होने का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा अतीक से कोई कनेक्शन नहीं है और ये जो कार्यवाही है उनके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। हालांकि अगर पीडीओ के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि इस मकान को बनवाने के लिए नक्शा नहीं पास करवाया गया था, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है और ये अतीक के बड़े करीबी बताए जा रहे हैं। जी, इस पूरे मामले पर देखिए जिस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन जारी है, क्या कहना है परिवारजनों का? देखिए, परिवार के जो लोग हैं उनकी कई तरह की यहाँ पे प्रतिक्रियाएं हैं और ये जो तस्वीर है हम आपको ले चल रहे हैं ये दिखाएंगे। देखिए, ये परिवार के लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना पहचान भी बता दीजिए। पहचान क्या बताइए अल्लाह कहीं साफ करेगा, अल्लाह साफ करेगा, ये पुरानी जमीन है, अल्लाह कहीं साफ करेगा। अगर ये अगर घर में बुलडोजर चलेगा पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद इस घर में चलेगा बुलडोजर। पहले पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलाइए, पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलाइए, मेरे ऊपर बुलडोजर चलाइए, फिर उसके बाद मेरे ऊपर चलाइए, फिर मेरे घर में बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल मेरे नाम रजिस्ट्री है, देखिए नंदिनी ये तस्वीर है जो घर के मालकिन वो साफ तौर पे आरोप लगा रही हैं। इनका कहना है कि ये जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है और तस्वीर है वो सीधी तस्वीर, देखिए किस तरीके से ये जो इन्हीं का मकान बताया जा रहा है और ये साफ तौर पे आरोप लगा रही हैं कि इनके ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। जी पवन, ये किस घर की महिला है जो अभी कैमरे के सामने आई थी? ये इसी घर की महिला है और ये बता रही है कि ये जो मकान है ये इन्हीं का है और इनके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है वो इनके ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं और देखिए ये पीछे गई हुई है, इनका कहना है कि पहले इस घर को गिराने से पहले इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि अतीक एंड कंपनी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है।
लगातार जो पीडीए की टीम है वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है और घर के सामान को निकाला जा चुका है। कुछ ही देर बाद इस पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई वो शुरू हो जाएगी। जी नंदिनी, देखिए लगातार जो महिला भी सामने आई थी उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, इनके परिवार के और भी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे इस चीज का आरोप लगाया है कि इनके ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है और इन्होंने इनको किसी तरह की कोई नोटिस नहीं मिली है। हालांकि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इनको मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अगर पीडीए के अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर अभी तक उन्होंने कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जो कार्रवाई है, अगर परिजनों की माने तो इनके ऊपर जो है जबरदस्ती की कार्रवाई कही जा रही है, क्योंकि जो परिजन है वो लगातार जब से पीडीए की टीम आई है तब से वो विरोध कर रहे हैं। अब हालांकि जो पीडीए के आला अधिकारी है इस पूरे मामले पे वो बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन लगातार जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी पवन, एक बार हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए ये तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों का हुजूम है। लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और ये दूसरी तस्वीर है जो एक खूबसूरत सा मकान है, दो मंजिला मकान, जिस पे अभी पीडीए की टीम पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। और देखिए घर में किस तरीके से लोगों की भीड़ है और ये जो आरोपों का दौर है वो जारी है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ है और इस कार्रवाई को रोकने के लिए लोग लगातार जो है वो विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है, तो इस कार्रवाई को रोकने के लिए जो घर के लोग हैं वो लगातार जो है विरोध जता रहे हैं। हालांकि जो इस पूरे घर के जो मालिक हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि ये जो कार्रवाई है इनके ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये घर के जो सामान है उसको यहाँ पे देखिए निकाल के रखा गया है और ये पूरे घर के सामान को यहाँ पर इस तरीके से निकाल दिया गया है। और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो पीडीए का दस्ता है वो पहुंच चुका है। कार्रवाई का दौर अभी जारी होगा और कुछ ही देर में ये जो खूबसूरत सा मकान है दो मंजिला इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। जी नंदिनी, पवन लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।